आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे प्रतापी राजा अजय पाल और उनका जो राजवंश पंवार राजवंश के बारे में। पंवार राजवंश की स्थापना महाराजा कनकपाल ने की थी, जो 888 में उत्तराखंड में तीर्थाटन पर आए थे और उस समय सबसे शक्तिशाली राजा चांदपुरगढ़ के राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया था। इसी कारण वह यहीं बस चुके थे और 888 ईस्वी में उन्होंने चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव डाली थी। लेकिन जो कनकपाल के आगे के जो राजा थे उनके बारे में कुछ भी जानकारी आज तक हासिल नहीं हो पाई है। अब तक पंवार वंश पर 17 वंशावलियां प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन किसी भी एक वंशावली में यह नहीं पता चला है कि 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच किन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। इसीलिए जो 9वीं शताब्दी से जो 15वीं शताब्दी का जो ये काल है इसको ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में अंधकार युग इसको माना जाता है। अभी जो पंवार वंश था ये उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक एक राजवंश था जिसने यहाँ पर शासन किया था। उन्होंने लगभग 888 से 1949 तक यहाँ शासन किया था और 60 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। लेकिन 1500 में यहाँ के सबसे प्रतापी राजा अजयपाल ने शासन किया था 15वीं शताब्दी के आसपास। यह माना जाता है कि 1510 ईस्वी में महाराजा अजयपाल ने गढ़वाल के सभी ठाकुरी राजाओं और गढ़ों को जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। तो उस समय 52 अलग अलग गढ़ हुआ करते थे, उन सबको जीतकर अजयपाल ने एक विशाल गढ़वाल राज की एक स्थापना की थी। राजगद्दी पर बैठते ही उन्हें एक प्रबल शत्रु से युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि चंपावत के राजा गढ़वाल के सीमांत प्रदेश वाघाण पर चढ़ाया था। महाराजा जयपाल सेना लेकर उससे युद्ध करने आए, परंतु राजा जयपाल को मुंह की खानी पड़ी थी। भागकर वह एक पर्वत पर चढ़ गए और एकाग्र होकर एक पांव पर खड़े होकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्मरण किया। यह सब कुछ देखकर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए, गोरखनाथ के रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने राजा को कहा कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और राजा उनके कंधे पर बैठ गए। गोरखनाथ ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि राजा की दृष्टि उधर हिमालय तक और इधर शिवालिक श्रेणी तक पहुंची। राजा घबराया और नीचे उतार देने का अनुरोध किया। गोरखनाथ ने अपने शरीर को छोटा कर दिया, राजा को उतार दिया। यह कहकर अदृश्य हो गए कि जहां तक तेरी दृष्टि पड़ी है वहां तक तेरा राज्य हो जाएगा। जा तू शत्रु से पुनः लड़ाई कर। तथा राजा ने उत्साहित होकर रही सेना को इकट्ठा कर शत्रु से ऐसा संग्राम किया कि शत्रु के पांव उखाड़ दिए। राजा ने शत्रु का पीछा किया और चंपावत का कुछ भाग भी हस्तगत कर दिया। महाराजा जयपाल ने सन 1512 में राजधानी चांदपुर के किले से उठाकर देवलगढ़ में बसा दी थी। फिर कुछ दिन बाद पुनः सन 1517 ईस्वी में अपनी राजधानी अलकनंदा के वाम पर श्रीनगर में बसाई। उसका नाम श्रीयंत्र होने से श्रीनगर रखा, जो अब एक विद्यमान है। एक किंवदंती के अनुसार राजा एक दिन केवल गढ़ से शिकार खेलने उस उजड़ भूमि में आया जहाँ पर अब श्रीनगर है। वहाँ राजा जयपाल ने देखा कि एक अखेटी कुत्ते को एक सशक खरगोश ने मार डाला। राजा को आश्चर्य हुआ। रात को माँ भगवती ने राजा को स्वप्न में कहा यह परम स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित कर और
कि मेरे यंत्र की पूजा अर्चना कर। वहाँ अलकनंदा के मध्य में एक शिलाश्री यंत्र है, उसी के प्रभाव से खरगोश ने कुत्ते को मारा है, तेरी सब बातें सिद्ध होंगी। और इसी को देखते हुए राजा ने 1517 में श्रीनगर में राजधानी बसाई थी। राजा अजयपाल ने वहाँ की सीमाओं को सुधारने के लिए एक बहुत ही बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम किया था और 37 वर्षों तक वहाँ पर शासन किया था और 59 वर्ष की आयु में वह पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उनके कई महत्वपूर्ण काम थे, जैसे उन्होंने अपने राज्य को परगना और पतीस में बांटा था और उन्होंने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन भी छीना था। तो यह कुछ कार्य करके वहाँ